सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से रेलवे में प्लास्टिक निषेधाज्ञा लागू किए जाने की घोषणा के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत डोंगरगढ़ में भी आरपीएफ की ओर से स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। सभी रेलवे स्टेशन परिसर, ट्रैक साइडिंग समेत आसपास के रेल क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से साफ सफाई अभियान चलाने के साथ ही प्लास्टिक के खिलाफ लोगों के बीच जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी राजीव कुमार ने कहा कि आरपीएफ की ओर से रेलवे स्टेशनों में स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया है, विशेषकर स्टेशन परिसर में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। रेल यात्रियों को भी स्टेशन परिसर व ट्रेनों में प्लास्टिक का सामान नहीं ले जाने के लिए हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यह अभियान बारी बारी से लगातार चलाया जाता रहेगा। एक बार इस्तेमाल कर फेंके जाने वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाम कसने की सरकार के स्तर पर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। हर मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रेलवे मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। आपको 3 साल की सजा हो सकती है। अपनी गाड़ी को ब्रेकर के पहले ही रोके, अन्यथा गेट डैश होने से, गेट टूटने से आपको 5 साल की सजा होगी। इस बात का ध्यान रखिए, साथ ही साथ आपका जीवन नष्ट हो सकता है। क्योंकि आने जाने वाले गाड़ियों के विषय में आपको नहीं पता है, इसीलिए बंद होता है ताकि आपको मालूम हो कि गाड़ी कोई आ रही है और जा रही है। इसलिए आने जाने वाले ट्रक पे ध्यान देंगे, बंद गेट को पार नहीं करिए, नीचे से पार करने का प्रयास मत करो। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।